जिला बदायूं ब्लॉक उलझानी ग्राम ननाखेड़ा की बात करते हैं, जहां ग्राम प्रधान के कुछ लोग भारत सरकार द्वारा दी गई राशि में सेंध लगा रहे हैं। जी हां, आपको बता दें कि यहां भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जहां ग्रामीणों द्वारा अपने ही ग्राम प्रधान पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया गया है। आपको बता दें कि भारत सरकार द्वारा एक योजना के तहत ग्रामीणों को शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि शौचालय बनाने के लिए प्रत्येक लाभार्थी को 12,000 रुपए की राशि सरकार की ओर से दी गई है, लेकिन इसके अतिरिक्त ग्राम प्रधान प्रत्येक ग्रामीण वासी से 3,000 रुपए ले रहा है, तब जाके उन्हें सुविधा का लाभ दे रहा है। ग्रामीण वासियों को सिर्फ 9,000 रुपए ही मिल पा रहे हैं। ग्राम में कुछ शौचालय तो ऐसे भी हैं जिन्हें यूज ही नहीं किया जाता, क्योंकि इन शौचालय का टैंक ही नहीं बना है, तो वे इसे यूज कैसे करें, जिसकी वजह से ग्रामीण वासियों को बाहर खुले में ही शौच के लिए जाना पड़ता है। इसी कारण से ग्रामीण वासियों को कई दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं इस शिकायत को जब ग्राम वासियों ने कई बार ब्लॉक में भी किया, लेकिन किसी ने कोई सुनवाई नहीं की। आपका नाम क्या है? माना श्रीपाल है। हाँ जी, तो श्रीपाल जी, आप जो ये बनवा रहे हैं, ये क्या बनवा रहे हैं? शौचालय है। शौचालय बनवा रहे हैं, ये आप अपने पैसे से बनवा रहे हैं, गवर्नमेंट ने आपको पैसा दिया है? गवर्नमेंट से यार 9,000 रुपए दिया, मैं तो 3,000 बिल ले ले। 3,000 कितना पैसा मिला गवर्नमेंट की तरफ से आपको? 12,000 मंजूर है, 3,000 बिल आ रहा है, 9,000 दे रहे हैं। 3,000 कौन ले रहा है आपसे? प्रधान। प्रधान का क्या नाम है? कैलाश उर्मिला देवी। पति ले रहे हैं ये। अच्छा, ठीक है ठीक है। इसकी शिकायत आपने किसी से की है? तो सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूंगा। राम जी, ये जो गवर्नमेंट की तरफ से आपको शौचालय की जो सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, क्या वो आपको मिल पा रही है? मिल गई आधी। 3,000 का ले लें। 3,000 गवर्नमेंट की तरफ से कितना पैसा आपको मिल रहा है? आपको कितना मिल पा रहा है? 9,000। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जयपाल। जयपाल जी, आप क्या काम करते हैं? मैं मिस्त्री को काम करता हूँ। चुनाई का राजगिरी का काम करते हैं? तो यहाँ पे जो शौचालय है, ये आप ही बना रहे हैं? हाँ, मैं भी बना रहा हूँ, और भी बना रहे हैं, सब बना रहे हैं। इस समय प्रेजेंट टाइम में आप ही बना रहे हैं? हाँ, जो बन रहे हैं। हाँ, मैं भी बना रहा हूँ यहाँ पर। अच्छा, ये आप जो शौचालय बना रहे हैं, इसकी गहराई कितनी होती है? जो टैंक आप बनाते हैं, गहराई 1.25 मीटर की है। 1.25 मीटर, और चौड़ाई कितनी होती है? मीटर भर है। 1 मीटर चौड़ाई है और 1.25 मीटर गहराई होती है। आपके क्षेत्र में एक गांव आता है ननाखेड़ा, तो वहाँ के ग्रामीण वासियों की कंप्लेन है कि वहाँ पे जो प्रधान है, ग्राम प्रधान, जो सरकार की तरफ से जो लाभ उन्हें मिल पा रहे हैं, वो उन्हें नहीं दे पा रहा है। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी ये शिकायत लिखित में हमको नहीं मिली है, आपने जैसा बताया है, मैं उस गाँव को दिखवा लेता हूँ अपने टीम की ओर से, और अगर शौचालय से संबंधित कोई शिकायत है तो उसमें जरूर कार्रवाई की जाएगी, और इसको लाभार्थी को ही बनाना है शौचालय। हमने ग्राम पंचायत को पैसा जरूर दिया है, मगर ग्राम पंचायत उन किस्तों में पैसा उनको देगी लाभार्थी। लाभार्थी का पूरा चॉइस है कि वो अपना खुद लाभार्थी अपना शौचालय बनाए। बिल्कुल, जब उस गांव में समाचार एक्सप्रेस की टीम गई तो पता चला कि जो गांव का प्रधान है वो सरकार की तरफ से हर शौचालय 12,000 रुपये का वेतन दिया जा रहा है, लेकिन वो प्रधान जो है उन्हें नहीं दे रहा है, उससे 3,000 रुपये वसूल रहा है उस हर शौचालय में। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? नहीं, इसकी ऐसी शिकायत जैसे हमारी किसी टीम ने नहीं रिपोर्ट किया, हम इसकी जाँच करा लेंगे, और ऐसा होगा तो हम प्रधान के खिलाफ जरूर कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल, वो अगर इसमें दोषी पाया जाता है तो आप क्या कार्रवाई करेंगे सर? कि इसमें 95(1)(6) जो हमारा पंचायत राज अधिनियम है, उसकी धारा 95(1)(6) में प्रधान को हटाए जाने की भी बात होती है, उनको हम नोटिस देंगे कि अगर ऐसा है, अगर गड़बड़ी हुई है, अगर सब पाया जाता है तो प्रधान को हम हटा सकते हैं, डीएम साहब को, ये हम नोटिस देंगे।